मुझे ये बताएं कि मुर्तसिम से जो इसका जो मोहब्बत है वो वाकई में जेन्युइन मोहब्बत है या अल्टीरियर मोटिव इसका इवेंचुअली यही है कि यार मैंने राज करना है? नहीं, क्या नहीं, ये राज वाला उसका मोटिव नहीं है, ये लोगों को नहीं, ये लोगों को अगर लग रहा है तो इसको दूसरे तरीके से आपको देखना पड़ेगा। घर उसको बाद में मिलेगा, मुर्तसिम के मिलने के बाद, तो वो इवेंचुअली मुर्तसिम के मिलने के बाद होगा। उसके कहने का मतलब ये है कि ये चीजें भी मेरी होती, ठीक है, नॉट के उसका मोटिव वो है, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली उसका मेन गोल यही है कि भाई मुर्तसिम से मैं, इसीलिए वो उसकी चपलें भी रख लेती है, यार वो बड़ा अच्छा सीन था बाय द वे। ओ बाय द वे, वो सीन मैंने करने से इनकार भी किया, मुझे पता चला अभी, मुझे पता चला। कैसे होता है? कन्विंस कैसे हुई आप वो सीन? आपको किसने बताया? कि बस छोड़ देना अब ये, तो ऐसे तो फिर हम इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। अब आपने खुद ही बात की तो मैंने कहा, वरना मैंने नहीं, आई डिडंट ब्रिंग इट अप। हाँ, मैंने मना किया था वो सीन करवाने से, क्योंकि उस टाइम तक हसन वही वाली बात के जो जैसे ऑडियंस को लग रहा है कि कैसे किसी के अंदर इतनी सी भी इज्जत नहीं है, इज्जत नफ्स नहीं है कि वो ये भी कर रहा है। बट फिर वो मुझे कन्विंस कर लिया गया, क्योंकि वो सीन मुझे जब मैं मॉनिटर पे देखा मास्टर करके मैंने, तो वो इतना खूबसूरत लगा कि मैंने शुक्र किया कि मुझे कन्विंस कर लिया गया उस सीन के लिए। उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दैट जस्टिफाइज इट, एंड आई हैव टू गिव यू क्रेडिट हियर सबीना के। कब से तो दे रहा हूं, पौना घंटा हो गया क्रेडिट देते देते, अभी भी लड़की कह रही है कि क्रेडिट। आई वांट टू गिव यू क्रेडिट फॉर दैट सीन, इसलिए बिकॉज जो आपको कंसर्न था कि यार कि ये ऐसा लग सकता है कि कोई अपनी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज करके किसी के लिए चप्पलें और पैरों में जो बैठ रहा है, आपको कहीं से भी ये बैकलैश मिला? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब मैंने भी वो सीन देखा ना, आई एम श्योर ऑडियंस विल रिलेट टू, जब सबने वो सीन देखा उसमें कहीं से ये नहीं लगा कि ये बंदी अपनी डिग्निटी को कम कर रही है। नहीं, वो ये लगा कि वो सिर्फ उसका प्यार है, वो उसका प्यार है, एंड शी इज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। यस, और जहाँ तक डिग्निटी की बात है ना, थैंक यू सो मच हसन फॉर सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जहाँ तक डिग्निटी की बात है, मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से नहीं, बट एट सम पॉइंट इन एवरीबडीज लाइफ हर किसी ने ऐसी मोहब्बत की हुई है जिसमें उनको अपनी डिग्निटी की परवाह नहीं होती। सब ने ऐसी मोहब्बत की एट सम पॉइंट in their life, maybe in their teenage or maybe later, maybe you know in their 40s or नहीं होती है परवाह। अगर सच्चा प्यार होता है तो परवाह नहीं होती। It's the character that you established, right? Yes. वो किरदार है ही ऐसा, और असल प्रॉब्लम तब होती है कि अगर किसी को फोर्स किया जाए ये करने के लिए, अगर कोई मर्द बोले कि अच्छा मुझे चप्पलें निकालो और मेरी चप्पलें पहनाओ, यहाँ पे वो अपनी मर्जी से कर रही है, हया जो भी डिसीजन ले रही है, जो भी काम कर रही है, वो अपनी मर्जी से कर रही है ना। अभी भी पिछले हफ्ते एक और बड़ा खूबसूरत डायलॉग था, लोग हमसे मिस हो गया रिव्यू में, तो लोगों ने कहा हाउ कुड यू नॉट टॉक अबाउट इट, हम भी कमा रहे और हमारे वो भी कमा रहे। आई थिंक दैट वन रियली पिक्ड अप, इट वेंट रियली वायरल दैट डायलॉग। यस, हां, सो ये जो छोटे छोटे डायलॉग्स, और उसमें आप इम्प्रोवाइजेशन भी होती है या ये वैसे ही है जैसे लिखा हुआ? नहीं हसन, मैं अपने डायलॉग्स में इम्प्रोवाइज नहीं करती, बहुत कम। अगर बहुत मुझे लगता है ना कि बहुत बिलो द बेल्ट कोई डायलॉग लिखा हुआ है, जो कि कभी हो जाता है, आ जाता है हमारे पास ऐसा कोई डायलॉग, उसमें हम उसका एसेंस वही रखते हुए चेंज कर देते हैं। अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन इम्प्रोवाइजिंग डायलॉग्स। मुझे लगता है कि लिखने वाला जो कैरेक्टर लिखता है ना, वो उसकी लैंग्वेज के हिसाब से वो डायलॉग्स लिखता है। मैं अगर उसको चेंज करूंगी तो मैं अपनी स्पोकन लैंग्वेज के हिसाब से उसको चेंज करूंगी, व्हिच आई नेवर डू। तो हया की ये जो टोन आपने पकड़ी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें कुछ मुख्तलिफ एक एलिमेंट है, ये खुद की तरफ से आया या सिराज भाई की तरफ से भी आया? कोई डिस्कशन हुई इसके इर्द गिर्द, या फ्रॉम द डे वन व्हेन यू वर ऑन सेट यू वर इन दैट जोन, इन दैट कैरेक्टर? नो, आई वाज इन। सिराज भाई ने बहुत, मेरा ख्याल है मुझे इस चीज़ में हेल्प की है, उसके टोन को बिल्ड कर। हमने टोन की स्पेसिफिकली बात नहीं की है, लेकिन you know what I mean, जो हम बात कर रहे हैं कि वो वैम्पिश है, बट उस तरह की वैम्पिश नहीं है जैसी हम ट्रेडिशनली देखते हैं ड्रामों में। नहीं, वैम्पिश भी मुझे कहा गया था कि वैम्प है, मुझे कहा गया था कि इसको एज ए वैम्प प्ले करना है, बट मैंने उसके कैरेक्टर की जस्टिफिकेशन के लिए ना बड़ी वो बात की थी सबके साथ कि इसको मैं वैम्प, प्यार को मैं क्यों शो कराऊँ कि जो प्यार में कोई चीज़ कर रहा है तो वो वैम्प ही है, वो अपने हिसाब से तो वो प्यार हासिल करने के लिए कर रहा है। तो मैंने जो टोन सेट की उसमें बिल्कुल सिराज भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऐसा नहीं था कि पहले दिन से मुझे पता था कि ये टोन सेट होगी, मे बी लाइक 2-3 डेज लेटर मुझे समझ आ गई थी कि ओके ये टोन सेट करनी है हया के कैरेक्टर के लिए। जब से तेरे बिन ऑन एयर आया है और हया हैज बिकम दिस फिनोमेनन दैट या शी हैज, हया इज, आप तो एग्री करेंगे ना, फिनोमेनन तो बन गई बिल्कुल है हया। एक मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं हया इज अ वाइब इन हरसेल्फ, हया इज अ क्रेजी वाइब इन हरसेल्फ। ये इसके बाद से ऑफर्स में कुछ इम्पैक्ट फर्क नजर आया? अभी तक नहीं आ रहा। No. उठाएं क्यों यार? अभी तक नहीं? Really? नहीं। Probably because लोगों को थोड़ी बहुत इससे भी होता है कि मैं ना भी बोलती हूँ, आती है, ऐसा नहीं है, अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं आते। नहीं मैं आप कह रहा हूँ कि एक लेवल अप का नहीं, मुझे नहीं पता, खत्म होगा तो शायद उसके बाद, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय मेरे से ज्यादा तो हसन परेशान हो गए। मुझे मैं हमेशा ये बहुत बात करता हूँ और कभी कभी मुझे अक्सर हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो इस बात का ताना मार देते हैं यार कि आप एक्टर्स के लिए बायस्ड हैं। अच्छा। तो मैं इसलिए भी ये बात कहना चाहता हूँ कि एक अच्छे एक्टर की, एक केपेबल एक्टर की स्ट्रगल आपके सामने लाने का मकसद यही है कि नहीं मिलते मौके। अब मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में से कोई भी डिसग्री करेगा कि सबीना ने किसी भी तरह से अपना 100% नहीं दिया हया के किरदार को। हया का किरदार अगर एक इतना बड़ा फिनोमिनन और इतनी बड़ी वाइब बन गई है तो वो यकीनन सबीना की, उसमें सिराज भाई की, सबकी कंट्रीब्यूशन है, राइटर की, नूरान की, सबने लिखा है, नूरान है, बट उसमें 80-90% तो आप ही का क्रेडिट है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपने प्ले किया है। तो अगर वो एक्टर को उस इतना एक फिनोमिनल किरदार प्ले करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर अनफेयर है। मैं सोच रही हूँ कि बजाय मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ये पट्टी चलाइएगा कि अनपेड इंटरव्यू है और बायस की जहाँ तक बात है, मैं हसन से पहली दफा मिल रही हूँ, हमारी पहली मुलाकात, बिल्कुल पहली दफा, कसम से। तो मुझे तो ये सभी ने क्या बोला, थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि वो थैंक यू छोटा लग रहा है मुझे आपकी बातों के आगे। बात नहीं है, मैं आई ऑलवेज विल टेक अ स्टैंड फॉर एक्टर्स, जो मुझे लगता है, मुझे, मैं बाकियों के बिहाफ पे तो नहीं बात कर रहा, बट मुझे ये लगता है कि वो एक्टर्स जो केपेबल हैं, जिनमें टैलेंट है, जिनमें स्किल है और जो कि जिनका काम बोल भी रहा है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं यार, उनके हक में तो आवाज़ उठानी चाहिए ना। और मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी सबीना को इनकरेज करें। एक सेकंड के लिए सोचें, एक यंग लड़की इस्लामाबाद से कराची मूव हो जाती है काम की तलाश में, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स ढूंढने के लिए, तो कौन मदद करेगा? अगर और कोई मदद नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर्स अगर चांस नहीं देंगे तो। बट आई थिंक सेवेंथ स्काई जो है, दे हैव बीन रियली काइंड, ऐसे प्रोजेक्ट्स मुझे देते हैं, जैसे ये तेरे बिन वाज वन ऑफ दोज। मेरा ख्याल है कि तेरे बिन में बड़ा रिस्क था मेरे साथ ये कैरेक्टर करना, क्योंकि कोई भी एस्टैब्लिश्ड एक्टर ये कैरेक्टर कर सकता था। बट सबीना, एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना ऑडियंस की तरफ से ही यार कि एक ही सर्टेन तरह के किरदारों में एक ही तरह के एक्टर्स को देख के भी लोग थक जाते हैं कि अगर वैम्पिश किरदार है तो उसमें एक सर्टेन तरह का के एक्टर नाम है 2-3, उन्हीं को आप बार बार और बार फिर बार, पता है हसन, बड़ा मुश्किल हो जाता है वेरिएशन लेके आना। आप कितना कोई वैरायटी दिखाएंगे वैम्पिश कैरेक्टर्स में, कितना ही कुछ डिफरेंट करके कर लेंगे, नहीं होता। और फिर सबसे ज्यादा आप तब हर्ट होते हैं जब आपको ये मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपको तो मिलता ही ये काम है, आपको तो मिलता ही ये काम, और ये सच है कि मुझे मिलता ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो वो बड़ी अजीब बात लगती है कि हाँ ऑफ कोर्स ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मिलता ही ऐसा है।